वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमा जोशी। मेरे यूट्यूब चैनल रमा जोशी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ रमा जोशी, ज्योतिष, रेकी, हीलिंग, वास्तु, अंक शास्त्र और आपके ऑरे के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं वो भी बहुत ही सरल भाषा में, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो मेरी बहुत अच्छी होने वाली है, जल्दी से लाइक कीजिए और बहुत सारे मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स चाहिए। तो देखिए, अगर आपके कोई और भी जानकार हैं जो कि इस चीज़ों के बारे में सरल भाषा में जानकारी चाहते हैं तो जल्दी से उन्हें मेरे चैनल के बारे में बताइए। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाइए। देखिए, मैं अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप भी थोड़ा सा तो मेरे लिए कीजिए ना, क्योंकि ये मेरी यूट्यूब की फैमिली है जिसमें आप भी हैं और मैं भी हैं। फैमिली में सबको मेहनत करनी पड़ती है, आपको भी करने तो पड़ेगी ना थोड़ी सी। तो चलिए आज बात करते हैं मेरे सबसे पसंदीदा, सबसे ज्यादा बढ़िया टॉपिक शिव जी के बारे में, शिव जी के रूप के बारे में। बस अगर इसके लिए मुझे बात करने को कही जाए ना तो बस फिर तो आनंद आप सोच नहीं सकते कि कितना हो सकता है। जितना आनंद हमें लगता है ना कि एक्सट्रीम मिलता है, मुझे उतना मिलता है। मेरा पसंदीदा टॉपिक है। तो देखिए, शिव जी का जो रूप है अपने आप में हमें बहुत सारी चीज़ें कह देने वाला होता है, बताने वाला होता है। उनकी रूप की एक एक चीज़ जो कि उन्होंने धारण कर रखी है वो अपने आप में बहुत सारी कहानियाँ कहती हैं। बस उन्हीं कहानियों के बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ शिव जी के, जो हम देखते हैं उनकी जटाओं में चंद्रमा जो है विराजमान। सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं कि उसका क्या सांकेतिक अर्थ है, हमें समझना पड़ेगा उसका क्या सांकेतिक अर्थ है। देखिए, शिव जी की जटाओं पे, सिर पे चंद्रमा हमेशा विराजमान रहते हैं। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है ना, चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। फिर एकदम से कभी हम अच्छे हो जाते हैं, कभी हम खराब महसूस करते हैं, हम मूडी रहते हैं। ये है चंद्रमा, ये है हमारा मन। शिव जी ने क्या किया है? अपने सिर के ऊपर उसको धारण कर लिया। इसका क्या मतलब है? उन्होंने पूरी तरीके से अपने मन को वश में कर लिया, कंट्रोल कर लिया है, पकड़ लिया है। मन उनके काबू से बाहर जा नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं चंद्रमा कमजोर है तो शिवलिंग को जल चढ़ाइए, अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो मेडिटेशन कीजिए। देखिए ना, जो शिव जी का रूप है अपने आप में बताता है। अभी मैं बताऊंगी बाकी सारी चीजों के बारे में, अभी मैं सिर्फ चंद्रमा की बात करें। अगर हम अपने मन को कंट्रोल करें, हम अपने मन के साथ बिल्कुल भागे नहीं, उसे रोक के रखें, अपने आप को एकदम वो ना होने दें कि हर चीज़ में एकदम पल पल में एकदम बिखरने ना दें, और उन चीज़ों से हम द्रवित ना हों, तो बिल्कुल हम अपने आप को बहुत ही एक ऊँचे लेवल पे ले जा सकते हैं, जो लेवल शिव जी का। हाँ, वहाँ तो देखिए कोई भी नहीं जा सकता, उस लेवल तक तो सवाल ही नहीं है शिव के लेवल तक। लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद को कुछ तो कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए कितनी बड़ी बात है, वो मन को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। मन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए ना, जब भी हम शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं तो शिवलिंग की शेप ऐसी है जिससे हम अपने आप ही कंट्रोल्ड होने लग जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे लोगों को ये उपाय दिया है और उनके अंदर परिवर्तन आए। आप समझ भी नहीं सकते कि कितना आपके अंदर कंट्रोल आने लग जाता है चीज़ों को लेकर के। सोचिए ना, आपको अपने मन पे काबू करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मन पे काबू नहीं करेंगे, हर बात पे मन की सुनेंगे, उसके पीछे जाएंगे, तो जीवन में आपको सम्मान नहीं मिलने वाला। वो पदवी देखिए ना शिव जी की, क्या देवों के देव, हर देव उनके पास जाता है। जो देवता हैं उनके भी देव हैं। जब कुछ नहीं था सृष्टि में तब भी शिव थे, शिव ही हैं सब कुछ। तो देखिए, वो अगर एक शक्ति हमें बता रही है कि हमने अपने मन को कंट्रोल करना है, तो क्या अगर वो इतनी उच्च शक्ति भी खुद ये कह रही है कि मन को कंट्रोल करना जरूरी है और उन्होंने मन को कंट्रोल कर रखा है तभी वो उस स्तर पे है, तो हमें भी समझना है ना कि हमने हमेशा अपने मन के पीछे नहीं भागना है। हाँ, मन करता है तो वो काम करने ही चाहिए। मैं तो आज के लिए ये चीज़ देख रही हूँ कि टीवी में बिल्कुल ऐसा एड्स भी आ रहे हैं कि अपने मन को नहीं कंट्रोल करो, अपने मन की सुनो, ये हो जाएगा। हमेशा ही ऐसा नहीं कीजिए बिल्कुल आप, कि आप बिल्कुल ही अपने मन की कंट्रोल, बिल्कुल मन की बात ही सुनते रहें और उसके पीछे भागते रहें। नहीं, मन की सुनिए, बहुत ज़रूरी है।
मन की सुनिए बहुत जरूरी है, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप कंट्रोल करना चाहें ना, रोकना चाहें ना अपने मन को, तो रोक सके, बहुत जरूरी है जीवन में सफलता पाने के लिए। ये चीज़ आप याद करिए। बहुत सारी चीज़ें हमें शिव जी से पता चलती हैं कि ये सब चीज़ें अगर उन्होंने कर रखी हैं, उनका रूप ये सारी चीज़ें बताता है, तो हमें भी इस तरीके से कहीं कुछ तो हमें करना चाहिए ना अपने जीवन में। हम अगर मन के पीछे ही भागते रहेंगे, भावनाओं के पीछे भागते रहेंगे, इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे, तो कभी भी जीवन में ठहराव नहीं आएगा। कोई भी हमारे रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि हम तो मन के बिल्कुल हार ही जाते हैं अपने मन के आगे। बिल्कुल भी नहीं हारना है, हमने अपने मन को जीतना है, और जो हम मन है हमारा उस पर कंट्रोल करके रखना है। उसे हमें पता होना चाहिए कि किस दिन हमें किस तरीके से उसे मूव करना है, कब हमें इतना चाहिए, कल कभी हमें इतना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास ना हो और हम मन के पीछे भाग के कोई ना कोई गलत काम कर लें। ठीक है, तो मन में कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। मन का कंट्रोल शिव जी ने कर रखा है, उनका मन बिल्कुल पक्का है। मेडिटेशन में बैठे रहते हैं सारा समय, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेडिटेशन में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, उसके मन को कौन वो कर सकता है, कौन द्रवित कर सकता है? आप ये देखिए, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है शिव जी से। ऐसे ही मैं अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वीडियो बनाती रहूँगी। अभी मैं बाकी का नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ। नमस्कार।